हाजी भाई साहब रात करा थे ना समूह तीन कोई गल जैसे कि सभी लोग जानते हैं, परसों एक बहुत ही बढ़िया हादसा हमारे देश के साथ हुआ। जनरल विपिन रावत सिंह और उनके साथ में अन्य लोग जो शहीद हुए हैं, 14 लोग में से 13 लोग जो हैं शहीद हुए हैं, उसी तरफ से उन्हीं की तरफ से हम यहाँ पे आज 30 सिविल सोसाइटी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं 30 की तरफ से। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन भी करता हूँ कि एक छोटी सी काल में इतनी हमारे यहाँ पे गैदरिंग हुई, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे विपिन रावत के बारे में सभी लोग जानते हैं, वो क्या हस्ती थी भारत की, जिन्होंने कश्मीर के अंदर पूरी मिलिटेंसी की कमर तोड़ी थी। वो फिर पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो सारी स्ट्रेटजिक जो थी वो विपिन रावत जी की थी। और जो भी आप विश्व के अंदर जो अभी हमारे हथियार जो भी कोई सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सब उनकी स्ट्रेटजिक थी, फ्यूचर की स्ट्रेटजिक। उनका जाना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो मैं सभी यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास करके आपका भी अंजर जी, जो कि आप हमारी काल पे यहाँ पे पहुँचे। तो मैं एक नारा लगाऊंगा जो कि सारे लोग यहाँ पे देंगे, जनरल विपिन रावत जी अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।